इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि आखिर हम किस राह जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ की, जहां मस्जिदों को त्योहार के मद्देनजर ढक दिया गया है। पुलिस की माने तो दो संप्रदाय में आपसी सौहार्द बनी रहे, इसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक ने यूपी तक से बात करते हुए कहा कि अलीगढ़ के एक संवेदनशील इलाके में पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया है। सांप्रदायिक हिंसा के लिहाज से अलीगढ़ को काफी संवेदनशील माना जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यहां उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। पुलिस डिपार्टमेंट संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है। इससे पहले पुलिस ने छतों पर रखे ईंट पत्थर को तत्काल खाली करवा दिए थे। इसके अलावा होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए करीब 5000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। करीब 1000 लोगों को पाबंद किया गया है। आरएएफ के साथ लोकल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से छतों की भी निगरानी की जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि किसी की छत पर कोई संवेदनशील चीजें तो नहीं रखी। अलीगढ़ शहर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि इस कदम को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इलाका संवेदनशील है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सके। लगातार आरएएफ के द्वारा जो है, आरएएफ के साथ में लोकल पुलिस जो है, जो भी सेंसिटिव एरियाज उनकी पेट्रोलिंग की गई है पिछले एक हफ्ते में लगातार। इसके अलावा ड्रोन से जो है छतों को चेक किया गया है, कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक वस्तु न रखी हो उसके संबंध में, और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा पीएसी और आरएएफ के साथ सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा, स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज में है। और सभी थाना प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी जो है अपने साथ ब्रेथ एनालाइजर्स रखेंगे, ताकि शराब पीकर कोई कानून का उल्लंघन ना करे। और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, और होली का त्यौहार जो है वो हम कुशलतापूर्वक संपन्न कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, शहर में मस्जिदों को भी ढकने का जो पहले भी ढकी हुई, वो क्या रीजन है और क्यों, क्या मुझे लगी है? देखिए, कोतवाली क्षेत्र में सब्जी मंडी पर हलवाईयान मस्जिद है, जिसे एहतियातन ढका जाता है। सेंसिटिव एरिया है, और जो भी दानिश्वर लोग हैं उनसे बातचीत करके ये एक ट्रेंड है बेसिकली जो फॉलो किया जाता है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और दोनों पक्ष के लोग इसमें कोऑपरेट करते हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। कभी रंगों का त्यौहार आपसी भाईचारे का प्रतीक हुआ करता था। एक रंग में सबको रंगने का मतलब था कि न कोई जात न कोई धर्म, सब एक है। लेकिन आज इसी त्यौहार को मनाने के लिए मस्जिदों को ढका जा रहा है और पुलिस की निगरानी में लोग होली मना रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, परिंदों में तो ये फिरका परस्ती भी नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ कृपा एस जा, यूपी तक।